नमस्कार मित्रों, संवेदनाएं सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस सीरीज में आपको जीवन में ऐसे लोगों से मिलवाते रहते हैं जिन्होंने संघर्ष किया है या फिर दूसरों के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा बन सकते हैं, जिनकी लाइफ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज हमारे साथ हैं बंटी जी, जिनका सोफा रिपेयर का काम है और ये अपने बारे में कुछ बताएंगे। तो बंटी जी, अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरे बारे में तो यह है कि अपना काम काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, 10-15 साल से अपना सोफे का काम कर रहा हूँ। और थोड़ा सा फैमिली की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके बाद करीबन 17 साल से सोफे का काम कर रहा हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिलोंग तो हम दादरी से करते हैं, दादरी में ही मेरी एक शॉप है सोफा रिपेयरिंग की, और जो कि वहाँ पर काम आता है, जैसे आप लोग मिलते हैं उनका काम करते हैं, कुछ वो घर पर ले करते हैं और कुछ कुछ शॉप पर ले जाते हैं, वहाँ पर लेते हैं। तो कैसा रहा है अब तक आपका काम का अनुभव? अब तक का तो ये स्ट्रगल चल ही रहा है, जो भी होगा आगे देखा जाएगा, मेहनत तो करी। लॉकडाउन में कैसा रहा आपको? लॉकडाउन के बाद काफ़ी काम में स्लो हो गया है काम, क्योंकि कोई भी आदमी अपने घर में घुसाने के लिए थोड़ा सा हल्का सा रहा है, क्योंकि हमारा काम कोई भी आदमी बाहर का आदमी घर में आते हुए थोड़ी दिक्कत आता है। अब जैसे लोग कुछ कम हैं जो घर में बुला कर भी काम करा रहे हैं, इसी वजह से हमारा काम चल रहा है थोड़ा। तो कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे लोगों को सीखने को मिले? संदेश तो यही है जी, मेहनत से काम करो, मेहनत से ही राहत है, और इसके बिना मेहनत तो कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर ये थे हमारे साथ बंटी जी, तो उन्होंने हमारे घर के सोफे बनाए हैं, तो एक क्लिप्स हम आपको दिखाएंगे इनके सोफे से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, नमस्कार। दोस्तों, ये है हमारा वो सोफ़ा जो बंटी ने रिपेयर किया है, इसका पूरा लेदर चेंज हुआ है और इस पर फिर से काम हुआ है, ये देखिए।